सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। रिज्यूम करते हैं अपनी पेपर वन की सीरीज को और देखते हैं कि आज के हमारे लेक्चर नंबर 4 में हम लोग को क्या नया देखने को मिलेगा। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे टीचिंग एड्स एंड सपोर्ट सिस्टम। हम लोग ने टीचर लर्नर से स्टार्ट करके फेजेस ऑफ लर्निंग देखे, टीचिंग बिहेवियर्स देखे, की लर्निंग बिहेवियर्स देखे, हेल्पिंग बिहेवियर्स देखे एंड और भी बहुत सारी चीजें हम लोग ने देखी है, इफेक्टिव टीचिंग देखा एंड उसको समझा विथ क्वेश्चन। आई होप आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल लग रही हो। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग एड्स एंड सपोर्ट सिस्टम के बारे में, जिसमें से अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस भी आपको एंड में जरूर से दिख जाएंगे। तो आइए लेट्स बिगिन। टीचिंग एड्स रेफर टू द एड्स व्हिच आर यूज्ड बाय द टीचर्स टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक अच्छा टीचर कौन होता है, उसका अपने बच्चों को पढ़ाने का या फिर रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव बिहेवियर्स क्या क्या होने चाहिए एंड टीचर क्या क्या ऐसी टेक्निक्स अपने क्लास में लेके आता है जिससे हमारी लर्निंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड इंटेंडेड चेंज डिजायर्ड बिहेवियर देखने में मिलता है एक लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक लर्नर की पर्सनैलिटी में। लेकिन टीचर ऐसा करता कैसे है? आपका एक इफेक्टिव टीचर जो होता है कई सारे टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करता है बदलते हुए दौर के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोग ने देखा कि ऑडियो विजुअल एड्स, इंटरनेट का इस्तेमाल करना, नए नए मॉडल्स को लेके आना। पहले के जमाने में तो सीधा एक चौक से ब्लैक बोर्ड पे टीचर कुछ भी लिखता था एंड उसी को ही हम लोग को पढ़ाया जाता था। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते नए नए टीचिंग आपके एड्स आते हैं एंड उसको जब टीचर यूज करता है तो आपकी जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग बन जाती है। तो टीचिंग एड्स कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। वीडियोस होते हैं, मैप्स होते हैं, ब्लैक बोर्ड जो ट्रेडिशनल मेथड है, चार्ट का इस्तेमाल करना आपका एक एड होता है, देन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन टीचिंग एड्स इसको हम लोग कहते हैं। टीचिंग एड हेल्प्स द टीचर टू प्रेजेंट द लेसन इफेक्टिवली एंड द स्टूडेंट्स टू लर्न एंड रिटेन द कॉन्सेप्ट्स बेटर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। एक टीचर जो सिर्फ आके बातें बता के चला जा रहा है, उसी के साथ दूसरा टीचर जो बातों के साथ साथ आपको एक डायग्राम भी दिखा दे रहा है, आपको कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा दे रहा है, उससे रिलेटेड आपको कोई कहानी दिखा दे रहा है, कहानी बता दे रहा है, या फिर इंटरनेट पे उससे रिलेटेड कोई पिक्चर भी आपको दिखा दे रहा है, तो वो आपकी ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी इन कंपेरिजन टू दैट टीचर जो सिर्फ और सिर्फ आपको शब्दों से पढ़ा के चला जा रहा है। एंड इसी चीज को, इसी एडिशनल हेल्प को जो एक टीचर इस्तेमाल करता है अपनी क्लास में लर्नर्स को नई नई चीजों को सिखाने के लिए, उसको हम लोग टीचिंग एड्स कहते हैं। आपके सामने है यहाँ पे कुछ टीचिंग एड्स जिनको हम लोग 3 कैटेगरीज में बेटा डिवाइड करते हैं। ये स्टैंडर्ड कैटेगरीज हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला है हमारा ऑडियो एड्स, ऐसे एड्स जो सिर्फ हम लोग को मात्र सुनाई देते हैं। दूसरा है आपका विजुअल एड्स जो मात्र आपको दिखाई देते हैं। तीसरा है हमारा ऑडियो विजुअल एड्स जहाँ पे आपका हियरिंग एंड योर सीइंग बोथ आर इन्वॉल्व एट द सेम टाइम टू गिव यू द मैक्सिमम लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आपका जो ऑडियो होता है वो सिर्फ आपका लिस्टिंग पे ध्यान देता है, जो आपका विजुअल एड्स होते हैं वो सिर्फ वॉचिंग पे ध्यान देते हैं, वेयर एज आपका जो ऑडियो विजुअल दोनों होता है वो लिस्टिंग एंड वॉचिंग दोनों पे आपका ध्यान देता है। इससे रिलेटेड आपके कुछ इजी क्वेश्चंस आए हैं, वो हम लोग यहाँ पे तुरंत से कर लेंगे। रिटन एंड प्रिंटेड मटीरियल आर टाइप ऑफ, आपका जो रिटन मटीरियल होता है, जो प्रिंटेड मटीरियल होता है, जैसा कि आप लोग को अपनी स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा, वो ऑडियो होता है, वो विजुअल होता है, वो ऑडियो विजुअल दोनों होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है। यहाँ पे आप लोगों को मेरी आवाज पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटन और प्रिंटेड मटेरियल, मतलब कि आपको अगर एक पीडीएफ मिल जाए या फिर एक पेज में कुछ लिखा हुआ हो तो ये कौन से टाइप का आपका मटेरियल होगा, सबका आंसर बन गया होगा, ये है आपका विजुअल एड। क्योंकि रिटन मटेरियल आपसे बातें तो नहीं कर रहा है, आप सिर्फ मात्र उसको देख सकते हो, तो ये बन जाता है आपका क्या, विजुअल एड्स, और ऐसा ही क्वेश्चन आपका बना है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑडियो विजुअल एड। ध्यान देना, जल्दबाजी में ऑडियो वीडियो को देख के इसको आपको क्या कहते हैं भूल नहीं जाना है, कि जो यहाँ पे बना हुआ है नॉट। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं एग्जाम में कि आता हुआ कोई टॉपिक होता है तेजी से भाग के जाएंगे और अपने ऑप्शंस की तरफ गलत करके चले आएंगे। ये जो नॉट होता है, नेवर होता है, ये बड़ा
बड़ा आपको परेशान करता है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आपका ऑडियो विजुअल एड नहीं है। तो आपका आंसर क्या है, टेप रिकॉर्डर आपका ऑडियो विजुअल एड नहीं है भाई, आप इसको सिर्फ सुन सकते हो, देख तो नहीं सकते हो ना जो चल रहा है, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इजी लग रहा होगा आप सबको, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको एक एक घंटा पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट किया जाए। बस तीन टाइप के हम लोग ने कैटेगरीज देखी और उसके हिसाब से हम लोग ने छाटना क्वेश्चंस को शुरू कर दिया। ठीक है, ग्राफ्स फॉल अंडर विच टाइप ऑफ टीचिंग एड, हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस किया करते थे, ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस हम लोग किया करते थे, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाया करते थे, हम लोग ने किया होगा। तो ग्राफ बेटा आपका कौन से टीचिंग एड के अंदर आएगा, विजुअल प्रोजेक्टिव ऑडियो एड या फिर ऑडियो विजुअल एड, सबका आंसर बन गया होगा, बहुत ही ईजी है, ये आपका आ जाएगा विजुअल, क्योंकि आप ग्राफ को मात्र देख सकते हो, आपका ग्राफ कभी भी आपसे बात नहीं करता है। ठीक है, चलेंगे अपना चौथा क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अपना चौथा क्वेश्चन, विच इज विच टीचिंग एड्स इनहांस द स्किल्स लाइक रीडिंग लिसनिंग एंड प्रोनंसिएशन। ध्यान देना है आपको बहुत अच्छी तरीके से कि कौन सा इसमें से ऐसा टीचिंग एड है जो आपकी रीडिंग को भी बेहतर करेगा, आपकी लिसनिंग को भी बेहतर करेगा एंड आपके प्रोनंसिएशन को भी बेहतर करेगा। कौन सा वो है, ऑडियो लिंगुअल जो आपको सुनाई भी दे रहा है एंड मतलब आप बेसिकली सुन पा रहे हो। ठीक है, देन आपका साइंटिफिक टीचिंग एड्स, देन आपका जनरल नॉलेज टीचिंग एड्स या फिर आपका थ्योरेटिकल बेस्ड टीचिंग एड्स। तो इसमें से अभी तक एक ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपका ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स। ऑडियो आपका एक बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, एक पॉडकास्ट काइंड ऑफ, एंड उसको आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, वो आपका रीडिंग लिसनिंग एंड आपका प्रोनंसिएशन। देखो लिंगुअल है यहाँ पे, तो कोई एक ऐसा आपका आइटम होगा जिसको आप अच्छी तरीके से साथ में रीड भी कर सकते हो, सुन भी सकते हो एंड आपकी प्रोनंसिएशन भी उससे अच्छी हो सकती है, तो ये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक और क्वेश्चन है इसमें से। देर आर टीचिंग एड्स विच आर सेंटर्ड अराउंड सर्टन स्किल्स लाइक रीडिंग लिसनिंग एंड प्रोनंसिएशन, सच टीचिंग एड्स आर कॉल्ड। ये हम लोग ने अभी अभी देखा, देखो एक उल्टा क्वेश्चन आया, इसके ही जैसा सेम क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड। देखो दो बार इससे क्वेश्चंस आए हैं, तो आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे आज का एक नया कॉन्सेप्ट जिसको सीखेंगे, टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड डिस्कशन मेथड्स। अब हम लोग ने टीचिंग एड्स तो देख लिया, लेकिन टीचिंग करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, कई तरीके होते हैं जो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहला है आपका माइंड मैप या फिर कॉन्सेप्ट मैप। आप में से किसी एक बच्चे ने अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक माइंड मैप बहुत अच्छा शेयर किया था एंड आई टोल्ड यू पीपल कि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पेपर वन में आया है, तो ये है वो चीज। आपका जो माइंड मैप होता है किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपका होता है जो आपके उस एक टॉपिक को विजुअली रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है और आपके उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी आपके लिए बना देता है रिवाइज करना या फिर रिमेंबर करना। तो आपका जो माइंड मैप होता है वो आपका एक ऐसा डायग्राम होता है जो विजुअली आप ऑर्गेनाइज करते हो, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन एंड उसको आप हायरार्की में लिख सकते हो, शोइंग रिलेशनशिप्स करके लिख सकते हो या फिर पूरी तरीके से उसको बना सकते हो। ऐसा करने से आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से रिमेंबर हो जाती हैं एंड आप जब रिवाइज करते हो तो आपको पूरे पूरे लाइंस चिट्ठे नहीं लर्न करने पड़ते हैं, आप बस अपना एक माइंड मैप देखते हो एंड आपके दिमाग में सारी चीजें फ्रेश एंड क्लियर हो जाती हैं। तो ये होता है हमारा माइंड मैप। दूसरा जो तरीका होता है बेटा उसको कहते हैं हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब आपके दिमाग में भूचाल आ जाना। भूचाल का मतलब आपके दिमाग में जब कुछ ऐसा डिस्कशन किया जाता है जिसकी वजह से आपके थॉट्स जो होते हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं, तो एक इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक बाय विच एफर्ट्स आर मेड टू फाइंड अ कंक्लूजन
for a specific problem by gathering a list of ideas spontaneously contributed by its members. अब यहाँ पे problem के बारे में बात की है, पर ऐसा जरूरी नहीं है. I will suppose give you a particular topic and आपसे आपके साथ कुछ चार पांच बच्चों का एक group बना दिया जाए, कहा जाए कि you have to come up with a very good 10 to 15 lines. तो आप सब लोग आपस में discuss करोगे, ideas सोचोगे कि क्या क्या हो सकते हैं. हर इंसान अपना अपना एक contribution करेगा. तो when a particular group of students are talking or trying to talk about a particular topic and come up with different ideas, that particular thing is known as brainstorming. Then आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग का एक तीसरा है discussion method जिसको कहते हैं think pair share. कहने का मतलब think pair share is used to help students from individual ideas discuss and share with others in group. मतलब कि आप सोचो, आप एक दूसरे के साथ जोड़ा बना लो, पेयर करो, अपने काफी सारे जो आइडियाज हैं वो साथ में लेके आओ एंड देन उसको बाकी सारे ग्रुप से क्या करो, शेयर करो. ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है. एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो डिस्कशन मेथड मेरे लिए भी था, उसको हम लोग कहते हैं फिश बाउल टेक्निक, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिश का बाउल. अब इसको क्यों बोला गया है, इसका तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, लेकिन आपके सामने यहाँ पे एक फोटो है जहां पे अंदर एक छोटे ग्रुप के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, देन बाहर आपके कुछ ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं एंड वो बातें सुन रहे हैं. इन द फिश बाउल टेक्निक स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड इन एन इनर एंड आउटर सर्कल. आपको याद रखना है कि यहाँ पे दो सर्कल बनेंगे, आपके इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल. जो इनर सर्कल होता है वो फिश बाउल कहलाता है. स्टूडेंट्स हैव डिस्कशन, स्टूडेंट्स इन द आउटर सर्कल लिसन टू द डिस्कशन एंड टेक नोट्स. कहने का मतलब जो अंदर बच्चे बैठे होंगे वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे एंड जितने बच्चे बाहर गोले में बैठे हुए हैं वो उनकी बातें सुनते रहेंगे और अपने नोट्स बनाते रहेंगे. भाई हमारे स्कूल में तो ये टेक्निक कभी भी इस्तेमाल नहीं की गई. आपके स्कूल में की गई हो तो कमेंट करके जरूर से बताना, या फिर अगर आपके लिए भी ये टेक्निक नहीं हो तो भी आप कमेंट जरूर से कर सकते हैं. देन बज ग्रुप मेथड, ये हम लोग ने टीवीज में जरूर से देखा है. एक बॉनवीटा का क्विज चैंपियनशिप टीवी में आया करती थी, वहां पे आपको बजर दबाना होता था. ये बहुत ही एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत अच्छी होती है एंड काफी इस्तेमाल की जाती है. बज ग्रुप डिस्कशन इज अ मेथड इन विच अ स्मॉल ग्रुप 2 to 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, डिस्कस करते हैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को एंड अपने कई सारे आइडियाज के साथ आते हैं और फिर कुछ ही टाइम के अंदर वो क्या बजा देते हैं, बजर बजा देते हैं. एक रेड कलर का बजर होता है एंड फिर उसका वो आंसर देते हैं. तो ये तो सारे बच्चों को पता होगा बज ग्रुप मेथड क्या होता है आपका. ओके ओके, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट है हमारा गेमिफिकेशन मेथड. अब भाई आजकल की जो पढ़ाई है उसमें मतलब एक रेवोल्यूशनरी दौर आया है जहां पे टीचर्स अपने कंटेंट को पढ़ाने के लिए कई सारी चीजों का इस्तेमाल करता है टीचिंग एड्स का, जिसमें से आपका एक मेथड आता है गेमिफिकेशन मेथड. आप लोग को याद होगा कि हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड होता था, आई ड्रॉ दिस फॉर यू, एक ब्लैक बोर्ड होता था एंड टीचर कहती थी कि चलो आज हम पढ़ाएंगे नहीं, जो मैंने पढ़ाया है वो आपकी क्लास में जो 3 रोज बनी होती थी, रो नंबर ए, रो नंबर बी एंड रो नंबर सी, उनसे एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड उसके जो मार्क्स हैं वो आपके बोर्ड पे लिखे जाएंगे. तो ये जो कुछ गेम वाली टेक्निक्स होती हैं, क्विज वाली टेक्निक्स होती हैं, वो टीचर इम्प्लॉय करते हैं अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज में ताकि बच्चों को मजा भी आए एंड साथ ही साथ आपको कुछ नया सीखने को मिले. गेमिफिकेशन इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द क्लासरूम एनवायरमेंट एंड रेगुलर एक्टिविटीज इनटू अ गेम. द गेमिफिकेशन क्विज कंटेन्स फैक्ट्स, trivia and information based questions that enhance your gamification skills. It requires creativity, collaboration and play. आप पूरी अपनी जो रो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि यार सही आंसर देना, फिर आप लोग आपस में खूब कोलैबोरेट करते हो, सही आंसर के साथ आते हो. ऐसा करने से आपकी कई सारी स्किल्स भी डेवलप होती हैं एंड आप कुछ नया सीखते भी हो. तो आई होप दिस इज क्लियर. आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि है फ्लिप्ड क्लासरूम. अब फ्लिप्ड वर्ड का मतलब ही होता है कि जो पहले था उससे उल्टा. फ्लिप्ड हम लोग जब बात करते हैं क्लासरूम की, जो हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड होता है बेटा पढ़ाने का, उसमें टीचर आता है अपना, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ब्लैक बोर्ड पे आपको लेक्चर देता है, आपको होमवर्क देता है और फिर वो चला जाता है. फ्लिप्ड का मतलब हुआ जहां पे आप पहले ही किसी पर्टिकुलर टॉपिक में खुद से
पढ़ाई करके आते हो एंड जब आप क्लास में जाते हो तो वहां पे जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, एंड उसी पर्टिकुलर टॉपिक को जिसको आप पढ़ के आए हो उस पे आपको क्लास में प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करवाता है, जिसकी वजह से आपको वो टॉपिक और अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है बेटा कि फ्लिप्ड क्लासरूम इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड द आइडिया दैट लेक्चर ऑन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज नॉट द बेस्ट यूज ऑफ द क्लास टाइम। आपकी क्लास में जो आप जाते हो, कई सारे बच्चे बैठे होते हैं, टीचर होता है, तो फ्लिप्ड क्लासरूम का ये मानना है कि मात्र वहां पे एक टीचर का आना, घिसे पिटे तरीके से पढ़ा के चले जाना क्लास के उस एनवायरमेंट की तौहीन है, उस पर्टिकुलर टाइम का वेस्टेज है। आपके बच्चे को कॉन्सेप्ट घर से ही पढ़ के आना है एंड उससे रिलेटेड नए नए आइडियाज, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज फ्लिप्ड क्लासरूम के अंदर होती है। इसको हम लोग नया तरीका कहते हैं पढ़ाई करने का, विच इज नोन एज योर फ्लिप्ड क्लासरूम। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ेंगे। लास्ट हम लोग का जो टेक्निक है उसको हम लोग कहते हैं जिग्सॉ स्ट्रेटजी। अब इसमें आपको कोई पजल नहीं बनाना होता है, यहाँ पे होता है आपका एक एक्सपर्ट ग्रुप। द जिग्सॉ स्ट्रेटजी आस्क अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू बिकम एक्सपर्ट। मतलब आप में से मैंने कुछ बच्चों को चुन लिया जो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक्सपर्ट हो, तो आपका मैंने एक ग्रुप बना दिया ऑन अ स्पेसिफिक टेक्स्ट और अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड देन शेयर दैट मटीरियल विद अनदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आपको कहा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भाई अच्छे से एक्सपर्ट बन के आओ, प्रिपेयर करके आओ, देन अपनी प्रेजेंटेशन आपको क्या करनी है नेक्स्ट डे अपने बच्चों के, बाकी बच्चों के सामने आपको बतानी है। इसको हम लोग जिग्सॉ टेक्निक बोलते हैं। दिस स्ट्रेटजी ऑफर्स अ वे टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड रिटेन इंफॉर्मेशन व्हाइल दे डेवलप देयर कोलैबोरेशन स्किल्स। भाई अगर मैं आपको कल कह दूं कि टीचिंग एड्स पे एक प्रेजेंटेशन बना के आना एंड आपको वीडियो बनाना है एंड आपको बाकी बच्चों को पढ़ाना है, तो आप अपनी पूरी जान उसमें लगा देंगे एंड बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे। ऐसा करने से ना सिर्फ आपको वो टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, लेकिन बाकी जितने बच्चे भी सुन रहे होंगे उनको भी प्रेरणा मिलेगी एंड आपके अंदर कोलैबोरेटिव स्किल्स क्या होंगी, डेवलप होंगी। और इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के सिनेरियो में, जहां पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको घंटों घंटों तक पढ़ाया जाए और आपका टाइम वेस्ट किया जाए। बहुत ही टू द पॉइंट तरीके से हम लोग ने दो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है। अब हम लोग उसमें से क्वेश्चंस देखते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है लिस्ट मैच द फॉलोइंग। माइंड मैप्स आपको ढूंढना है, गेमिफिकेशन ढूंढना है, फ्लिप्ड क्लासरूम ढूंढना है और आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स आपको ढूंढना है। तो हम लोग आंसर आपके लिए वेट करेंगे। आप लोग कुछ 15 टू 30 सेकेंड्स इसको देखिए, अपना आंसर जज करिए एंड देन हम लोग आंसर की तरफ चलेंगे। ओके, सो आई होप आप लोग से क्वेश्चंस बन गए होंगे। चलते हैं हम लोग आंसर देखते हैं। आपका है आंसर नंबर 3। ये है हमारा आंसर जहां पे ए का थर्ड पॉइंट बोला गया है, माइंड मैप को बताया है यूज ऑफ सेल्फ लर्निंग टूल्स। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो इसको समझने में तो आप बाकी सारे ऑप्शंस को बनाइएगा एंड आपका अच्छे से बन जाएगा। एंड यहाँ पे बाय सेल्फ लर्निंग टूल्स आई मीन दैट आपका क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप जो माइंड मैप बनाते हो आप अपने खुद के सेल्फ टूल्स को यूज करते हो कि मुझे यहाँ पे भाई क्लाउड बनाना है मैं क्लाउड बनाऊंगा, मैं मुझे यहाँ पे डब्बा बनाना है मैं डब्बा बनाऊंगा। तो ये जो आपका माइंड मैप होता है ये आपके खुद के बनाए हुए टूल्स होते हैं जो आप अपने लिए यूज करते हो। देन आपका गेमिफिकेशन क्या बताया है, लर्निंग थ्रू क्विजेस। भाई गेम्स, आई टोल्ड यू ना कि वहां पे आपके क्विज होते हैं, फैक्ट्स के बारे में बात होती है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन वी हैव फ्लिप्ड क्लासरूम्स जो कि है अलाउ द स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द लेसन बिफोर द टीचर डिस्क्राइब्स। फ्लिप्ड क्लासरूम के अंदर बच्चा पहले ही आपका वो टॉपिक पढ़ के आएगा, देन आपके प्रैक्टिकल डिस्कशंस चलेंगे। देन आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड है आपका वर्चुअल रियलिटी वाला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा और देखेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट कम अंडर द कोऑपरेटिव लर्निंग। हम लोग ने अभी कई सारे मेथड्स देखे जिसमें से फिश बॉल टेक्निक है, जिग्सॉ टेक्निक है, डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक एंड टीम पेयर सोलो टेक्निक। आपको इन चारों को देखना है और जज करके बताना है कि वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जहां पे बच्चे आपस में एक दूसरे से क्या नहीं करेंगे,
कोऑपरेट या कोलैबोरेट नहीं करेंगे, तो आई गेस आपका आंसर बन गया होगा जो कि है डिमॉन्स्ट्रेशन टेक्निक। जैसे आप अभी जो क्लास देख पा रहे हैं उसमें आई एम जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटिंग माई कॉन्टेंट इन फ्रंट ऑफ यू, मैं दिखा रही हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो क्या यहाँ पे मैं किसी के साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ? क्या मुझे किसी के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा? नहीं। तो ये हो जाएगी आपकी एक ऐसी टेक्निक जहां पे सिर्फ और सिर्फ आई एम रिप्रेजेंटिंग और डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वेयर एज आई एम नॉट कोलैबोरेटिंग विद एनीवन। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ भी ना समझ में आया बेटा तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो एंड उस पर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टेक्निक विच यूजेस इमेजेस दैट आर ऑफन मोर इवोकेटिव दैन वर्ड्स and more precise and potent in triggering a wide range of associations and thinking. इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जो इमेजेस को यूज करता है, which is better than your written content, evocate करता है आपके दिमाग में कई सारे ideas को and help करता है आपको associate करने में और सोचने में। आंसर सभी का बन गया होगा, ये है हमारा प्यारा माइंड मैप which I told you, इससे questions आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना चौथा question। The following teaching aids can be used by a teacher in a classroom, I'll use a pen, in a classroom as a live interactive device. अब हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा तो नहीं, लेकिन ये common sensical questions I brought क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एंड ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए। लाइव इंटरेक्शन अगर मुझे करना है तो मैं कौन सी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी? क्या मैं ईमेल का इस्तेमाल करूंगी? क्या मैं स्काइप का इस्तेमाल करूंगी? क्या मैं ऑनलाइन चैटिंग का इस्तेमाल करूंगी? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करूंगी? आपके फेसबुक का इस्तेमाल करूंगी या ब्लॉगिंग का इस्तेमाल करूंगी? तो ये आपको इसमें से जज करके बताना है। इसके लिए आपको थोड़ी सी आजकल की टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा आपका लाइव इंटरैक्टिव चीजों को इस्तेमाल करता है एंड आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है आंसर नंबर 2 विच इज योर BC&D विच इज स्काइप, योर ऑनलाइन चैटिंग एंड योर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। भाई ईमेल में तो हम लोग ने कभी कुछ लाइव नहीं देखा है, फेसबुक में भी आप लाइव का कॉन्सेप्ट अब आ गया है, लेकिन लाइव इंटरेक्शन भाई फेसबुक से तो आप क्लास में नहीं कराओगे एंड ब्लॉग तो बिल्कुल भी नहीं है, हेंस हमारा BC&D आंसर बन जाता है। एंड इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं आज की क्लास के एंड में। आई होप आपको आज की क्लास अगेन हर दिन की तरह बहुत फ्रूटफुल लगी होगी, कुछ ही टाइम में आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा एंड विथ क्वेश्चंस आपको देखने को मिला, तो ये आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर से बेटा लाइक करिएगा, देन आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग गई हो तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करिएगा कि भाई उनको भी ज्ञान मिले। देन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, और अगर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो अप्रिशिएट कर सकते हैं मेरे इस एफर्ट्स को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए इसी तरीके से इतने अच्छे अच्छे कॉन्टेंट टू द पॉइंट तरीके से विदाउट टाइम वेस्ट किए विथ क्वेश्चन लेकर आती रहूं। मिलेंगे हम लोग अगली अपनी क्लास में, इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। आपके कोई कमेंट्स हो, सजेशंस हो, फीडबैक हो तो जरूर से कमेंट किया करो। आई लव लिसनिंग टू यू पीपल। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।